नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। दरअसल राजभवन के पास फिर से हलचल शुरू हो गई है, गहमा गहमी शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताएं, उससे पहले आप समझिए, आप तमाम दर्शक ये जानते होंगे कि अब चंपई सोरेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। दरअसल अब भी फिलहाल राज्य में कोई मंत्री पद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस राज को चला रहे हैं। और ये राजभवन के बाहर का नज़ारा है। दरअसल कल जब देर शाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा, उसके बाद राजभवन ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश दिया। फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अभी जो खबर आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में गठबंधन के तमाम नेता राजभवन आएंगे। दरअसल राजभवन से उनको बुलावा आया है और उनको सरकार बनाने का जो न्योता है वो दिया जाएगा। 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है राजभवन के द्वारा। इसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। JMM के कई लोग ये कह रहे थे कि 7 तारीख को तिथि निर्धारित की गई है शपथ ग्रहण का, लेकिन वो एक एस्टिमेटेड है। राजभवन का ही फैसला आखिरी होता है। अगर राजभवन ने कोई समय निर्धारित किया या कोई तिथि निर्धारित की, उस दिन ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या वो तिथि साथ ही रहेगी या फिर बदलेगी, क्योंकि राजभवन में एक और शपथ ग्रहण होना है चीफ जस्टिस का। उस दिन तो कम से कम सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होगा, इस तौर पे भी देखा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः कल जो है वो चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद सरकार, नई सरकार जो झारखंड में बनने वाली है, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। वो तिथि क्या होगी, दरअसल वो तिथि 7 होगी या फिर कोई और तिथि होगी, समय क्या होगा, इन सब को बताने के लिए स्वयं राजभवन से निमंत्रण भेजा गया है गठबंधन दल के नेताओं को कि आप आइए। और उस निमंत्रण पत्र में वो उनको बुलाया जाएगा कि आप अमुक तारीख को आकर सरकार गठन कर सकते हैं, आप शपथ ले सकते हैं। उससे पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, विधायकों का साइन किया हुआ पत्र राजभवन को मिलना चाहिए, राज्यपाल स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये निमंत्रण पत्र उनको सौंप दिया जाता है। तो दरअसल उसी की कवायद है। अब से थोड़ी ही देर में गठबंधन के तमाम नेता, संभवतः गिने चुने प्रतिनिधि, RJD से सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब, जो उनके प्रभारी हैं, रामेश्वर राव जो मंत्री हैं, इन सब के अलावा और मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं वो हेमंत सोरेन, वो तमाम लोग थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं यहाँ पर। उसी के लेकर आप ये जो देख रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान के लोग इस घटना को कवर करने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे कि 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से शपथ लेंगे जब हेमंत सोरेन। सूरज जी, 13वें मुख्यमंत्री, अभी 24 साल का भी झारखंड कंप्लीट नहीं हुआ और 13वें मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे, इसका इमेज राज्य के बाहर कैसा जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड गठन के बाद से अब 24 साल हो गए और ये 13वें मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और एक कार्यकाल में ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड में पहले भी हुआ कि सरकारें बनी, समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर से मुख्यमंत्री बदले गए, मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव लड़े, हार गए, दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। बहुत, मतलब आज तक के 24 साल के इतिहास में एक रघुवर दास ही हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो निश्चित तौर पर ये
राजनीतिक अस्थिरता के तौर पर दूसरे प्रदेशों में इसे देखा जाएगा और देखा जाता है। दूसरे प्रदेशों में जब चर्चा होती है, देश भर में चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर इसे एक नाटकीय घटनाक्रम, जो सियासी घटनाक्रम है, उसके तौर पर देखा जाता है। और निश्चित तौर पर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, निश्चित तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और मुख्यमंत्री जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और मीडिया के साथ उनका पहला जो इंटरेक्शन था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे